हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, आप ही का फायदा होगा, क्योंकि लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैनल में कवर होने वाले हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो आज मैं जिस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है बर्थडे, जिसे लिखा है वायकम मोहम्मद बशीर जी ने। इन्होंने पहले इस स्टोरी को मलयालम में लिखा था, इसका नाम था जन्मदिनम, फिर खुद ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनते समय हम एक बात ध्यान में रखेंगे, इस कहानी में जो भी इंसिडेंट और सोशल सिस्टम को नरेट किया गया है वो 1945 के पहले का है और इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट खुद ऑथर ही हैं, यानी वायकम मोहम्मद बशीर जी ही हैं। इसको इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा है, एक डायरी फॉर्म में। इस स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट एक पैट्रियोटिक राइटर हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय वायकम मोहम्मद बशीर, बर्थडे। आज मकरम का 8वां दिन था। मकरम यानी मंथ ऑफ मलयालम इरा, जो कि मिड जैन से स्टार्ट होता है और मिड फेब तक रहता है। तो आज उसका 8वां दिन था और आज ही बशीर जी का बर्थडे भी है, इसलिए ये आज जल्दी सुबह उठ गए। उठकर नहाए, अपनी जो भी इनकी मॉर्निंग रूटीन है वो पूरा करे और व्हाइट धोती, खद्दर की शर्ट, व्हाइट शूज पहनकर रेडी होकर अपने इजी चेयर पे बहुत ही हैवी हार्ट के साथ बैठ गए, यानी कि थोड़े से उदास थे और फिर वहां पे वो बैठ के रिलैक्स करने लगे। अब इन्हें इतना सुबह जल्दी रेडी होते देख मैथ्यू, जो इनके पड़ोसी हैं, एक बीए के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बशीर जी को गुड मॉर्निंग कहा और इनसे पूछा कि क्या बात है, कुछ खास है जो आप इतना जल्दी उठ गए हैं। फिर बशीर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आज मेरा बर्थडे है। तो इस पर मैथ्यू ने कहा, ओह आज आपका बर्थडे है, आई विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस पर मुस्कुराकर बशीर जी ने थैंक यू कहा। इसके बाद मैथ्यू टूथब्रश को दांतों के बीच दबाकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। बशीर जी वहीं पर बैठे रहते हैं और कुछ देर बाद उन्हें आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई इंजॉय कर रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, गाने की आवाज, ये सब उन्हें सुनाई देने लगता है। और फिर ये मन ही मन सोचते हैं कि ये स्टूडेंट हैं, यंगस्टर्स हैं और इनके लाइफ में शायद कभी कोई टेंशन नहीं रहता है, ये लोग एकदम ही फ्री हैं, इनके लिए लाइफ बहुत ही प्लीजेंट है। और इसके साथ बशीर जी ये भी सोच रहे हैं कि मुझे मेरी एक कप चाय कब मिलेगी। इनका मिड डे मील तो एश्योर हो चुका है, क्योंकि ये जब कल मार्केट गए थे तो इनको इनका दोस्त मिला था जिसका नाम था हमीद, उन्होंने बशीर जी को लंच पे इनवाइट किया था, तो इनका लंच तो श्योर हो गया है, लेकिन ये अभी एक कप चाय के लिए तड़प रहे हैं और सोच रहे हैं कि लंच तक बिना चाय के ये नहीं रह सकते, इनको कैसे भी करके चाय तो चाहिए ही। और अभी अपने छोटे से रूम में, जहां पर चेयर है, टेबल है, शेल्फ है, बेड है और इसके अलावा कहीं कोई जगह नहीं बची है, ऐसे रूम में बैठ के चाय का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई चाय लाकर इनको दे दे। बशीर जी के पास एक डायरी थी और इन्होंने डिसाइड किया था आज इनके साथ जो कुछ भी होगा वो इसे डायरी में नोट करेंगे। ऐसे तो कुछ खास दिन नहीं था इनके लिए, जैसे रोज की लाइफ है वैसे इनकी लाइफ चल रही थी, बस एक ही चीज थी, वो आज इनका बर्थडे था। बाकी इनके पास रोज की तरह पैसे नहीं थे, कहीं से ये लोन नहीं ले सकते थे और जो भी कपड़े इन्होंने पहने थे वो इनके फ्रेंड्स के दिए हुए थे, कुछ भी ऐसा नहीं था इनके पास जिसे ये अपना कह सके। इनफैक्ट जब मैथ्यू ने इनको बर्थडे विश किया ये कह के कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो ये अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। सुबह के 7 बजे हैं और बशीर जी अपने इजी चेयर पर बैठे हुए सोच रहे थे कि आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज के दिन वो किसी से कुछ ना मांगे, आज के दिन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आज का दिन हर दिन से अलग हो और आज का जो मैं हूं वो हर मैं से अलग हो। फिर इसके बाद वो अपने उम्र के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कितने उम्र के हो गए हैं, कभी सोचते कि वो 32 के हैं, कभी सोचते क्या वो 47 के हैं। फिर वो बहुत ही निराश होकर खड़े हो जाते हैं और अब मिरर में देखने लगते हैं, आईने में अपने आप को देखने लगते हैं और कहते हैं इतना भी मैं बुरा नहीं दिखता, ब्रॉड फोरहेड था, स्टेडी आईज, थिन मुस्टैच, ये सब वो नोटिस ही कर रहे थे। फिर अचानक से वो शॉक्ड हो गए, उन्होंने अपने बाल में एक ग्रे हेयर को नोटिस किया और उसे वो निकाल दिए, खींचकर निकाल दिए और ये धीरे धीरे अपने सर को दबाने लगे, इनके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। तब ये सोचते हैं कि शायद ये इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी तक चाय नहीं पिया और 9 बज गए हैं। बशीर जी एक होटल जाते हैं जहां पे वो पहले भी कई बार जा चुके हैं और उनका कुछ पैसा भी वहां पर बाकी है, यहां जाकर वे एक चाय ऑर्डर करते हैं लेकिन इनको चाय देने से मना कर दिया जाता है, पहले बोला जाता है कि पहले आप पेमेंट करिए उसके बाद आपको चाय मिलेगी। तो इस पर बशीर जी कहते हैं कि मुझे चाय दे दो, कल मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जो चाय बनाता है उसने कहा कि मेरे जो हायर अप्स हैं उन्होंने मुझे मना किया है आपको चाय देने से, उन्होंने कहा है कि जब तक आप पुराने बिल्स को क्लियर नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहां से। फिर बशीर जी वहां से चले जाते हैं। अब सुबह के 10 बज रहे हैं, बशीर जी का सर एकदम भारी है,
इनके होंठ पूरे सूख चुके हैं, ये पूरी तरीके से टायर्ड हो गए हैं। इनको डेस्परेटली चाय चाहिए था पर इनको कहीं से भी चाय नहीं मिला। अभी अपने घर वापस आते हैं और वहीं पर उसी इजी चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर एक 10 साल का लड़का जो कि एक वेंडर है जो वुडन क्लॉक्स बेच रहा था, वो बशीर जी के दरवाजे के पास आता है और उनको रिक्वेस्ट करता है वो वुडन क्लॉक्स लेने के लिए। वुडन क्लॉक्स एक वुडन फुटवेयर होता है। तो यहाँ पे बशीर जी मना कर देते हैं, बोलते हैं बच्चे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। हालांकि इस बच्चे को यकीन नहीं होता कि ऐसे आदमी के पास जो इजी चेयर पे आराम से बैठा है उसके पास पैसे नहीं है, इतने अच्छे कपड़े पहना है उसके पास पैसे नहीं है, उसे यकीन नहीं होता। लेकिन वो फिर भी वो बच्चा वहां से चला जाता है। अब बशीर जी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, इनके सर में दर्द होने लग गया है क्योंकि शायद इन्होंने सुबह से चाय नहीं पिया था। अब ये सोच रहे हैं कि चाय तो अब मिलने से रही, तो हमीद ने जो इनको लंच पे बुलाया है उनके घर ही चले जाएं, कम से कम पूरा मील तो मिलेगा, पूरा अच्छा खाना तो मिलेगा खाने के लिए। तो ये प्रिपरेशन करने लग जाते हैं उनके घर जाने के लिए, और उनका घर काफी दूर था और इनको वहां पैदल चल के जाना था। तो 11 बज रहा था उस वक्त और 11:30 बजे ये उनके घर पहुंचे। जब उनके घर पहुंचते तो देखते हैं बहुत बड़ा घर है, मेटल का गेट है, वहां पे नॉक करके ये उनको बुलाते हैं मिस्टर हमीद। फिर वहां से कोई आंसर नहीं आता, फिर एक बार और बुलाते हैं मिस्टर हमीद, तो एक गुस्से में एक औरत बोलती है कि वो यहाँ नहीं है। फिर बशीर जी वापस पूछते कि कहाँ गए हैं, तो उनको कोई आंसर वहां से नहीं मिलता। एक बार फिर बशीर जी हिम्मत करके गेट को फिर से नॉक करते हैं, तब चूड़ियों की आवाज आती है उनको और एक औरत दरवाजा खोलती है। फिर ये बशीर जी उनको पूछते हैं कि हमीद कहाँ गए हैं, तो वो कहती है कि उनको कुछ अर्जेंट काम आया था तो वो चले गए हैं और वो शाम को सीधे आएंगे। तो बशीर जी कहते हैं ठीक है, वो जब आएंगे तो उनसे कह देना कि मैं आया था, उनके बारे में पूछ रहा था। फिर औरत पूछती है कि वो आएंगे तो मैं क्या बताऊंगी कि आप कौन हैं। फिर यहाँ पे बशीर जी थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे और बोलते हैं कि जाने दीजिए, मैं कोई नहीं हूँ, मत बताइएगा कि मैं आया था। और फिर वे वहां से चले जाते हैं। बशीर जी हमीद के घर से डिसअपॉइंट होकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में मिस्टर पी का शॉप पड़ता है। मिस्टर पी बशीर जी को पहले से जानते थे, इन दोनों का कुछ कॉमन सा काम था। मिस्टर पी शॉप पर भी बैठते हैं और उनका एडिटिंग का भी काम था, न्यूज़पेपर एडिटर थे ये। तो मिस्टर पी ने जब बशीर जी को देखा तो उनको बुलाया और उनसे बातें करने लगे कि रेवोल्यूशन का काम कहां तक पहुंचा, कैसा चल रहा है, कोई खास बात है, उनको ऐसे छेड़ने लगे। तो फिर इस पर बशीर जी ने आंसर दिया कि नहीं, कुछ खास बात नहीं है, सब जैसा था वैसा ही है। और उनके बगल में एक चेयर था तो वहां जाकर बशीर जी बैठे। अब बशीर जी और मिस्टर पी का जो कॉमन सा काम है वो ये था कि बशीर जी कई सारे आर्टिकल्स लिखते थे और ये जो मिस्टर पी है उन सारे आर्टिकल्स को अपने नाम पे पब्लिश करता था, जैसे कि इन्होंने लिखा हो वो आर्टिकल्स। और वही चीज को बहुत ही प्राउडली ये मिस्टर बशीर के सामने शो ऑफ भी करते थे कि देखो इतने सारे आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुई है। अब बशीर जी पुराने पेपर्स में कोई एक पेपर पिक करते हैं और उनमें दिए गए आर्टिकल को पढ़ने लगते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो मुंडी झुकाकर पेपर को देखे जा रहे हैं, और जबकि उनका सर जो है बहुत ज्यादा भारी हो गया है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक कप चाय तक नहीं पिया है। और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि ये मिस्टर पी मुझे चाय क्यों नहीं पूछ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर पी एक लड़के को बुलाता है और उसे बोलता है कि जाकर चाय और डोसा लेकर आना। वो लड़का तुरंत जाता है और वापस आता है लेकर। फिर मिस्टर पी मिस्टर बशीर को पूछते हैं कि आप चाय पियोगे, तो वो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। और इस पर मिस्टर पी दोबारा उनको नहीं पूछते, एक भी बार और नहीं ऑफर करते और काम की बात करने लग जाते हैं कि तुमने अभी तक मुझे कोई बुक नहीं दिया है जिसे मैं पब्लिश कर सकूं, ये सब चीजें होने लग गई। अब दोपहर के 2 बजे बशीर जी अपने घर वापस आते हैं, अपने उसी छोटे से रूम में इजी चेयर पर बैठ जाते हैं, एकदम टायर्ड, एकदम हेल्पलेस। थोड़ी ही देर बाद एक औरत एकदम वेल ड्रेस्ड होकर परफ्यूम लगाकर उनके घर के पास आती है, उनके दरवाजे के पास आती है और एक लाइट स्माइल देती है उनको। अब उसे देखकर बशीर जी का हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि उनको खुद ही अपने हार्ट बीट सुनाई देने लगते हैं। लेकिन फिर बशीर जी हिम्मत करके उस औरत को बोलते हैं कि सिस्टर मेरे पास कुछ नहीं है, आप कहीं और जाइए और वहां मांगिए। फिर वो बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वहां से चली जाती है। अब बशीर जी भूख से तड़प रहे थे और अब इनको खाना मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, बहुत ही हेल्पलेस होकर अपने इजी चेयर पे बैठे रहे। फिर इतने में उनके पड़ोस में काम करने वाला एक लड़का इनके घर आता है मैच बॉक्स लेने, माचिस का डब्बा लेने आता है। तो फिर बशीर जी उनको बोलते हैं कि मुझे ग्लास पानी देना। तो वो पानी लेकर जब आता है तो उनको देखता है और बोलता है कि आपकी कंडीशन ऐसी क्यों है, लगता है आपने कुछ खाया नहीं है, ऐसा है क्या? तो बशीर जी कुछ नहीं बोलते। तो फिर से वो पूछता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है क्या? तो वो रिप्लाई नहीं देते, फिर भी ये बोलता है कि मेरे पास 2 आना है, अगर आप चाहो तो मैं उसे आपको दे दूं, लेकिन शर्त ये है कि मैं अगले महीने घर जा रहा हूं और मेरे घर जाने से पहले मुझे मेरे 2 आने वापस दे देना। बशीर जी ने उसे देखा और अग्री हो गए जो भी वो बोला उस बात से, और लड़का दौड़ कर गया पैसे लेने।
देने। फिर इतने में गंगाधर जो कि बशीर जी का फ्रेंड है वो उनके घर आता है, जिसने व्हाइट कुर्ता व्हाइट धोती और ब्लू शॉल लिया था। तो फिर बशीर जी इनको देखकर सोचते हैं कि ये कौन सा लीडर है, इसको कहीं मैंने देखा है, और इसने जो कपड़े पहने हैं किससे उधार लिए होंगे। ये सोच के वो जोर जोर से हंसने लगता है और गंगाधर उनको हंसता देख के बहुत गुस्से में पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो। तो बशीर जी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं मैं बस ऐसे ही। तो बोले ये सब छोड़ो, शहर में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है, उसके बारे में बात करो। तो ये पूछते हैं, बशीर जी पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो बोले बहुत सारे वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और इससे कनेक्टेड एक मीटिंग है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे उस मीटिंग में जाना है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो मुझे कुछ अनाज चाहिए, यानी कि कुछ पैसे चाहिए। उस वक्त अनाज की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। तो अब बशीर जी यहाँ पे सोचने लगते हैं कि मैं खुद सुबह से नहीं कुछ खाया हूँ, एक कप चाय तक नहीं मुझे मिला है, और आज मेरा बर्थडे भी है, तो मैं इसको कहाँ से पैसे दूँ। फिर भी उसे गंगाधर को बिठाता है कि बैठो, तुम वेट करो, देखते हैं कुछ करते हैं, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कहीं से इंतजाम करने की। फिर वो जो लड़का पैसे लेने गया था वो लेकर आता है दो आना, जिसमें से एक आना बशीर जी रख लेते हैं, और जिसके पास एक आना होता है बशीर जी उसको कहते हैं कि इससे डोसा, दो चाय और बीड़ी लेकर आना। लड़का जाता है और वो सारी चीजें लेकर आता है। फिर यहाँ पे बशीर जी और गंगाधर दोनों चाय पीते हैं, डोसा खाते हैं और उसके बाद बीड़ी पीते हैं। ये सब होने के बाद जब गंगाधर जाने लगते हैं तो बशीर जो उनके पास एक आना रहता है वो गंगाधर को दे देते हैं। गंगाधर उसको लेकर बहुत ही तेजी से वहां से चले जाते हैं। फिर से बशीर जी अपने उसी इजी चेयर में बैठ जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। फिर देखते हैं कि जो उनके मकान मालिक हैं वो उनके तरफ बढ़ रहे थे, अब उनको अपने तरफ आते देख के अपना मुंह यहां वहां छुपाने लगते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो रेंट लेने आए होंगे और इनके पास एक पैसा नहीं था। जब मकान मालिक उनके पास आता है, उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट करता है, बोलता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगे, ये फिर से वही बहाना कि अगले हफ्ते आने वाले दिनों में दे दूंगा ये वो। तो इस बार कोई एक्सक्यूज सुनने के लिए रेडी नहीं थे, इनफैक्ट उनको बहुत ही गंदा टॉन्ट भी मार दिए कि ऐसी लाइफ जीने से क्या मतलब है। मकान मालिक के जाने के बाद बशीर जी भी खुद सोचने लगते हैं कि सच में ऐसी लाइफ जीने का क्या मतलब है। किसी तरह उनके दोपहर के खाने का इंतजाम हुआ, चाय का इंतजाम हुआ, अब फिर से वही टेंशन कि रात में अब क्या खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये कोई फैंसी स्टोरी नहीं है, कोई फैसिनेटिंग स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी एक डायरी फॉर्म में था जिसमें राइटर ने अपने साथ हुए सारे इवेंट्स को, पूरे दिन भर में हुए सारे इवेंट्स को नोट किया था। बशीर जी ने बायोग्राफिकल स्टाइल में इस स्टोरी को लिखा है। बहुत ही सिंपल स्टोरी है जहाँ पे एवरीडे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज को यूज किया गया है, और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उनके बारे में ये बताया गया है कि वे एक रेवोल्यूशनरी हैं, एक फ्रीडम फाइटर, एक आर्टिस्ट हैं, एक राइटर हैं, उसके बाद भी एक टाइम का खाना पाना उनके लिए कितना मुश्किल था। इतने पैथेटिक सिचुएशन में होने के बाद भी वो कितने इजिली अपने लाइफ को जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले टाइम का खाना उन्हें मिलेगा या नहीं, उसके बावजूद वो अपने उसूलों के साथ जी रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।